जहां पे आते हैं धर्म है, जहां बैरते हैं पाप, जहां क्रोध तह काल है, जहां क्षमा तह आ। क्यों जी, भवानी प्रसाद जी की धर्मशाला किधर? सामने ही है। अजय किस छात्र का नाम ले रहे हैं आप? काशी यात्रा के लिए आए हैं आप लोग? आइए नौबतला जी के आश्रम में ठहरिए। नहीं बेटा नहीं, हम तो उसी महापुरुष की धर्मशाला में ठहरे। किस चक्के के फेर में आ गए चाचा? उस चोर ठग से यात्रियों को बचाने के लिए ही नौबतला जी ने आश्रम खोला है। ना जी, हम तो कहीं और नहीं ठहरेंगे। हमने तो सुना है भवानी प्रसाद जी इंसान के रूप में देवता है। मेरे लाल, तू यहाँ क्यों आई माँ? अगर दादा ने तुझे देख लिया तो? आज खीर बनाई थी, तेरे लिए लाई हूँ, ले जल्दी से खा ले। क्यों रे, तुझे अपनी माँ की याद नहीं आती क्या? याद तो बहुत आती है माँ, लेकिन क्या करूँ, दादा से बहुत डर लगता है, उनके सामने रो भी नहीं सकता। जब तुम्हारी याद आती है माँ, मैं दादा से छुप छुप के बहुत रोता हूँ। तेरे दादा बड़े निर्दय है बेटे, ये ले गले में पहन ले, बड़ी दूर से मंगवाया है, इसमें भगवान का प्रसाद है। अब तो बड़ा हो रहा है, एक दिन तेरे दादा तुझे दीक्षा देंगे, उस वक्त भगवान ही तेरी रक्षा करेंगे बेटे। बंधन गले में क्या है, उतार इसे। नहीं दादा नहीं। लाओ मुझे तो, मैं कहता हूँ तो। भगवान लाओ मुझे तो। कई बार तुझे समझाया है कि इस माँ पर विश्वास न किया कर। बेटा माँ पर विश्वास न करे, ये भी कभी हुआ है मालिक? महाकाली के सिवा कुंदन की और कोई माँ नहीं, और उसकी महान शक्ति पर इसको विश्वास करना ही होगा। माँ जी। कहूँ? माँ जी। माँ जी। रो ले बहू, जितना रो सकती है रो ले, तेरी आंखों में आंसू सूखी जाए तो अच्छा है, जीवन भर बेटे के लिए तड़पना है तुझे। क्या हुआ माँ, कुंदन की माँ इतनी व्याकुल क्यों? माँ की ममता व्याकुल है बेटा, कुंदन के लिए खीर लेकर गई थी बहू, एक कौर भी नहीं खा सका मेरा लाल, उसके पहले ही ससुर जी ने एक कौर भी नहीं खाने दिया उसे। कितनी बार कहा है तुमसे, अपने कलेजे पे पत्थर रख लो, मत जाया करो उससे मिलने। कैसे न जाओ, बाप मन को पत्थर बना सकता है, पर माँ क्या करे? बताओ मुझे, संतान को अगर भगवान छीन ले तो मन को समझाया जा सकता है, लेकिन इस धरती पर अगर कोई जल्ला। चुप क्यों हो गई बहू, आगे बोलो, अगर हिम्मत है तो पूरी करो अपनी बात। मैंने मना किया था ना कि कुंदन पर तुम लोगों का साया भी न पड़ना चाहिए, मेरा हुक्म न मानने का नतीजा जानती हो तुम। बहू को कुछ न कहो, सुना तुमने, बिचारी पहले विपत्ता की मारी है तुम्हारे कारण। मेरे नहीं अपने कारण, इस निकम्मे पर जादू चलाकर बेटे को अलग किया है बाप से सारत ने, अब भुगते अपने किए का फल। अरे तुम तो रो रहे हो, ये देखो तुम्हारे आंसुओं से मेरे हाथ भीग गए। बाबा बाबा देखो ना, कुंदन रो रहा है,
और कुछ बोलता भी नहीं है उसे क्या हुआ है। मैंने उसकी आंखों पे हाथ रखे तो मेरे हाथ उसके आंसुओं से भीग गए। तो मुझे पूछो ना बाबा उसे क्या हुआ है, वो रो क्यों रहा है। मैंने पूछा तो कहता है कुछ नहीं हुआ, जरूर कुछ हुआ है उसे, इसलिए तो रो रहा है। अरे मुन्नी बिटिया, तुम्हें कई मरतबा कहा है कि बोलते समय जरा सांस ले लिया करो, तोते की तरह मत बोला करो। चलो देखें क्या हुआ है कुंदन को। कुंदन बेटा तुम रो क्यों रहे हो? माँ मुझे मिलने आई थी, दादा ने उसे बहुत डांटा, वो रोती वापस चली गई। कोई बात नहीं बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो दादा को छोड़ के माँ के पास चले जाना। लो ये चकारा बजाओ। नहीं बाबा, मैं चकारा नहीं बजाऊंगा। कुंदन तुम चकारा बजाओ, मैं नाचूंगी। मुन्नी ठीक कहती है, तुम दोनों का जी बहल जाएगा। लो बजाओ। कितनी प्यारी बच्ची है, क्या नाम है इसका? नाम भी बड़ा प्यारा है, मुन्नी। ईश्वरलाल, मैं ऐसी ही लड़की को गोद लेना चाहती थी। लड़की के बारे में सब कुछ मालूम कर लिया तुमने? हाँ, आज से 6 साल पहले इसके माँ बाप गंगा में डूब गए थे। उस वक्त ये 2 साल की थी, बहते बहते किनारे आ लगी और वहाँ से सकारे वाले बुढ़े ने इसे बचा लिया। तब से ये उसी के पास है। बूढ़ा मान जाएगा इसे देने के लिए? क्यों नहीं, वो तो खुद इस फिक्र में है कि ना जाने कब सांस टूट जाए उसका, फिर क्या होगा इस बेचारी बच्ची का, उल्टा उसके सर से बोझ डर जाएगा। हाँ इतना जरूर बता देना कि भगवान ने तुम्हारी गोद नहीं भरी और तुम्हारी अपनी कोई औलाद नहीं, इसलिए तुम इस बच्ची को गोद लेना चाहती हो। हाँ। तुम्हें तो कोई कष्ट नहीं, सब कृपा है महाराज। बैठो बैठो। ये वही परिवार है गुरुदेव, जिन्हें नौबत लाल के आदमी हमारा पता नहीं दे रहे। न जाने वो लोग हमें कहाँ बहका कर ले जाना चाहते थे। बनारस में ठगों की बहुत धूम सुनी है ना, इसलिए सोचा कहीं वो भी ठगना। नहीं बच्चा नहीं, किसी को पाप की दृष्टि से देखना महापाप है। धन्य है आप, आपके दर्शन हो गए, शांति मिली महाराज। बहुत दूर से ये आशा लेकर आए थे और ये सोच कर चले थे कि आप ही की धर्मशाला में रहेंगे। बहुत प्रशंसा सुनी है आप। मैं तो आपका सेवक हूँ, जैसा सुना था वैसा पाया आपको। आपने बड़ी कृपा की जो मेरे यहाँ पधारे, आप इतनी श्रद्धा से आए हैं, पूजा पे मैं खुद आपके साथ चलूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुमने इतने अच्छे अच्छे कपड़े कहाँ से लिए? माँ ने दिया, पता है मेरे माँ बाप मिल गए। कहाँ से? वो नहीं मिले, मैं उन्हें मिली। माँ कहती है जब मैं छोटी थी ना एक मेले में खो गई थी और अब बड़ी मुश्किल से मिली हूँ उन्हें। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वो रहे ना, पता है बाबा को भी इतने सारे रुपए दिए हैं और मुझे अच्छे अच्छे कपड़े ले दिए हैं। मैं उनके साथ जा रही हूँ। कहाँ? यहाँ से बहुत दूर कलकत्ता है ना, वहाँ जा रही हूँ। तुम कब आओगी? जब बड़ी हो जाऊंगी तब आऊंगी। तब मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा? मैं पहचान लूंगी, ये चिकारा है ना हरदम अपने साथ रखना, मैं इसी से पहचान लूंगी। अच्छा मैं जा रही हूँ। मेरी बच्ची कुंदन, चिकारा संभाल कर रखना। चलो बेटी। मुझे दिखता है कंबख्त नौबत लाल की मौत तेरे दादा के हाथ लिखी। ऐसा बात मेरे बच्चों, साबा नौबत लाल की औलाद को और दुश्मन की यही गत बनानी चाहिए। पिताजी वो सब भीम टपक पड़ा कुंदन को बचाने के लिए। नहीं तो मैं और गणेश ही मिलकर उसका मरीजा बना देते। बेटे द्वार का और फिर कभी सही, अब बचकर कहाँ जाएंगे? एक ना एक दिन हम अपने पुरखों का बदला जरूर लेंगे उनसे। होंगे तुम्हारे पुरख, उनके बैर का बीज मेरे बच्चों के मन में काहे बोते हो? मैं नहीं चाहती कि बड़े उस बैर के लिए ये भी अपनी जान अकेले के लिए फिरे। ये किसी कायर की संतान नहीं है गणेश जी की माँ, हम बाप बेटे भवानी प्रसाद के वंश को मिटा कर ही रहे। किसकी मजाल है जो मेरे होते हुए मेरे वंश पर आज भी लाते? ओहो, शेर को ललकारने शेर की ही मांग में आए हो? इसी मांग में चींटी की तरह मसल के फेंक दूंगा तुम्हें। तुम्हारे लौंडों की ये हिम्मत कि मेरे कुंदन पर हाथ उठाए? डरता हूँ कि कहीं मेरा हाथ भी ना उठ जाए इस बात। मेरे सामने कुछ देर तुम और टिके तो
तो तुम्हारे गंदे खून से अपना घर अपवित्र करना पड़ेगा मुझे। तो पवित्र ही कर दो महाराज। मालिक कहो तो इन्हीं के खून से इनका घर पवित्र कर दे। पिछवा तो ना। नहीं, ये नग्न अपने आंखों के सामने नहीं हो रही। तुम बीच में से हट जाओ। आज या तो ये रहेगा या मैं। एक दूसरे के लोगों के क्या से किए हैं आप दोनों? एक ही तो लोग है दोनों की रगों में, काहे भूलते हो? तुम्हारे दादा और उनके पिता के चले भाई थे। भाईचारे का रिश्ता तो उसी दिन मिट गया जब इसके बाप ने मेरे दादा को कत्ल किया। हमारा खून का रिश्ता जरूर है मगर अपने बहाने का नहीं, सिर्फ खून बहाने का रिश्ता रह गया है। आज मैं इसका खून बहा कराऊंगा। नौबत लाल, आप ऐसे बाहर मत हो वरना तेरे बाल बच्चों को आज ही अनाथ होना पड़ेगा। भगवान के लिए ऐसा नहीं। गणेश की माँ बहू, मर्दों के बैर में औरतों का आदर खोना नहीं सीखा मैं मन से चाहता हूँ कि तुम्हारा सुहाग बना रहे, लेकिन इस मूर्ख को समझाओ कि फिर कभी भवानी प्रसाद की टक्कर न आए। ठहरो। जी चाहता है कि तेरा गला खोद दुश्मन मेरे ही घर में आके मुझे ललकारे और जीता जाकर लौटता है। माँ, एक और भक्त तेरे चरणों में आया है, मेरे बाद मेरी गद्दी संभालेगा, तेरा परम भक्त बनेगा। मैं आज इसे बताऊंगा इसके पुरखों का धर्म क्या है। आज इसे पता चलेगा कि तेरी उपासना कायरों का काम नहीं। आज की रात इसकी दीक्षा की रात है माँ, इस बालक शक्ति के माँ। अनेन गंगा स्थान साराधयन भगवान मंत्रांतर श्री काशी विश्वेश्वर प्रियताम। ये पूजा तभी संपूर्ण होती है जब मनुष्य संसार के सारे मोह त्याग देता है, सारे संबंध तोड़ देता। इसलिए महाराज आपको अपने पुत्र और बहू का दान देना होगा। पुत्र और बहू? बेटा, भवानी प्रसाद जी घबराइए नहीं, बाद में मोल देकर वापिस खरीद लीजिएगा, पहले अपने पुत्र का दान दो। मैंने अपने पुत्र का दान दिया महाराज। दानम प्रतिगृह्णामि, अब बहू का दान दो। मैंने अपनी बहू का दान दिया। दानम प्रतिगृह्णामि, अब माया देकर अपने बेटे को वापस खरीद लो। मैंने 51 रुपए में अपने बेटे को खरीद लिया। महाराज ये तो बहुत कम है। कम है? धन का लोभ न करो प्रभु, संतान से बढ़कर और कुछ नहीं। इसके लिए 51 रुपए नहीं, आपके बेटे के गले में जो मोतियों की माला है वो दे दीजिए। अब बहू को वापस लो और उसके शरीर के सारे गहने मुझे दे दो। बापू, ऐसा लगता है हम ठगों में फंस गए। जय भवानी। भवानी से भागकर कहां जाएगा पगले? मुझे छोड़ दो दादा, मुझे छोड़ दो। मैं जानता था कि तू भवानी का ये रूप देख के डर जाएगा। एक बार मुझे भी इसी तरह भवानी की दीक्षा मिली थी। मेरे बाप दादा बहुत बड़े ठग थे और भवानी ही ठगों की कुल देवी है। बेटा बाप का पेशा अख्तियार करें, यही रस्म चली आई है, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं तुझे अपना जानशीन बनाने यहां लाया हूं। भवानी ने तुझे मेरा वारस चुना है, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता कुंदन।
सुना है तुम लोग शंकर को ढूंढ रही थी, कहीं चला गया है वो? हाँ, पिछली रात से। लेकिन क्यों बहू, तुमने झगड़ा तो नहीं किया उससे? तुम लोग चिंता ना करो, मैं आज ही अपने आदमी शंकर की तलाश में चारों तरफ दौड़ाता हूं, और जब तक उसे ढूंढ ना निकालूंगा मुझे चैन ना मिलेगा। वाह वाह, बेटे से बिछड़कर राजा दशरथ भी इतने व्याकुल नहीं हुए हों। नौबतलाल, तुम्हें इस घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसे पाखंडी का फांडाफोड़। आप पहचानती हैं इस चादर को? शंकर की चादर ठीक पहचाना तुमने? कहा है मेरा बेटा, ये किसका लहू है? शंकर का लहू है ये, बाप ने बेटे की हत्या की है। शंकर, ये वक्ता है शंकर की माँ, ये वक्ता है। कहा है मेरा बेटा, मुझे मेरे बेटे के पास ले चलिए। भवानी प्रसाद के गुंडों ने उसकी लाश को जलाकर खाक कर डाला। मक्कार, अगर मेरे बेटे की हत्या हुई तो तूने ही की होगी। बोल, ये चादर तुझे कहां से मिली? सौभाग्य से, ताकि मैं सारे बनारस को बता सकूं कि भवानी प्रसाद अपने ही बेटे का हत्यारा, मेरा जान सिर कुंदन भी जानेगा कि उसके बाप की हत्या तूने की है। मैं कहूंगा उससे। तू नहीं कह सकेगा, अबतलाल तू नहीं कह सकेगा। उस दिन के लिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्षमा करना भगवान, मैं नौबत लाल को कैसे जिंदा छोड़ देता? उसने जो मेरे बेटे की हत्या की थी। क्या हुआ दादा, क्या हुआ पिताजी को? मैं कैसे बताऊं मेरे बच्चे कि नौबत लाल ने तेरे बाप को मार डाला। क्रोध अग्नि घर घर बढ़ी, जरे सकल संसार, दीन लीन निज भक्त जो, तिनके निकट तू बार। Thank you.
किसका हो सकता है यह खंजर? कौन था वो? होगा कोई, भूल जाइए उसे दादा। आज फिर इस लोहे की कुर्ती ने मुझे बचा लिया। आज गौरव से हमारा सर ऊंचा है। शत्रु की जो दुर्गत बनाई है तुम, मेरा जानशीन ही कर सकता है। जानशीन भी आपने बनाया दादा, और शत्रु भी आपने किए, सब आपकी देन है। आए दिन किसी की बहन का सुहाग उजड़ता है, बच्चे अनाथ बनते हैं और दिन ब दिन हमारे शत्रु बढ़ते ही जाते हैं। उन्हीं के शत्रु बढ़ते हैं कुंदन, जिनकी शक्ति बढ़ती है। लेकिन ये अत्याचार है दादा, ये पाप है। आपका ये धर्म जिसमें न जाने कितने ही मासूमों के खून की आहुति देनी पड़े, मैं इस धर्म को अपना नहीं सकूंगा दादा। कुंदन, तुम्हें अपनाना होगा जिसे तुम पाप समझते हो। बड़ी शक्ति है उसमें, एक बार उसमें बन गए तो छुटकारा नहीं मिलेगा। देख लेना, मरते मरते उस बंधन में जकड़ कर जाऊंगा तुम्हें। सिर्फ प्रेम के बंधन को मानता हूं दादा, मुझे उसी में जकड़ रखा है आपने, वरना कब का चला जाता। कुंदन, सब छोड़ गए आपको, सिर्फ एक मैं हूं। एक मैं हूं जो इस सुनसान हवेली में आपका साथ दिए जाता हूं दादा। मेरा ने किसका साथ दे, जो माँ दादी भाई बहन सब अलग अलग हो गए। ये ऊंची दीवारें आठों पहर पर एक सन्नाटा सा छाया रहता है। ये सन्नाटा मिटेगा कुंदन, तन्हाई दूर होगी, शहनाई बजेगी यहाँ। मैंने आज घाट पर पंडित राधे श्याम की लड़की को देखा है, अप्सरा है वो, चांद है पूनम का, तेरे मन के अंधेरे को मिटा कर रख देगी। कुंदन, मैं आज ही उनसे बात करूंगा। अंदाज
बतलाता है जब दिल से दिल टकराता है, मत पूछिए क्या हो जाता है। मुखड़ा न छुपायू हाथों से, दिन को न बदल अब रातों से, दिन को न बदल अब रातों से, गुलशन में बिखरने दे नगमे तू प्यार की मीठी बातों से। ए हुस्न की देवी आँख मिला, अपनों से कोई शर्माता है जब दिल से दिल टकराता है, मत पूछिए क्या हो जाता है। झुकती है नजर रुकती है जुबां, माथे पे पसीना आता है जब दिल से दिल टकराता है। सुना इससे पहले काशी में तुम कभी नहीं देखा? देवता के दर्शनों के लिए काशी आई हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? पुजारिन। हाँ महाराज, अगला शुक्ल पक्ष चमके पूर्ण द्वितीया दमके, उसी रात हम अपनी भांजी का ब्याह करेंगे। हमसे पूछे बगैर तुम लोगों ने उसका ब्याह तय कर दिया? उसे पाला भी है आपसे पूछे बगैर। सारे गांव में इकलौता मामा हूँ जो पति चार बार बन चुका, पिता एक बार भी नहीं। कारण क्या? बहन की ही संतान को अपनी संतान की तरह पालना था। पर भांजी के ब्याह के लिए मेरी शरण में आए, जानता हूँ क्यों। चिंता न करो, बहुत कुछ दूंगा। अपनी पोती के ब्याह पर रुपए पैसा धन दौलत सब कुछ लुटा दूंगा। ना 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 महाराज, आपकी लूट मार हमें नहीं चाहिए। क्या कहा? मेरा मतलब खनाखन से नहीं, सिर्फ उपकार चाहिए। सैकड़ों लोग आपके उपकारों तले इतने दबे हैं कि उठ ना सके। हमें इतना भारी भरकम उपकार नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा कि हम सांस ले सकें। ब्याह में सिर्फ कुंदन को भेज दीजिए। सिर्फ कुंदन आए और हम यही जमे रहिए? मेरा मतलब है हमारा गांव इस योग्य नहीं कि आप जैसे महात्मा के चरण पड़े वहाँ। आपकी पत्नी और बहू की भी यही राय है कि पवित्र काशी से ये चरण कमल कभी ना हटे। मैं समझ गया उन औरतों की चाल। मैं कुंदन के साथ गया तो वो उसे भड़का न सकेंगे, बस से छीन न सकेंगे। कुंदन यशोदा के ब्याह में नहीं जाएगा। कौन यशोदा? अरे मेरी भा, बिल्कुल वही लगते हो, वही हो, वही खरन, वही भवन। अरे हम है भांजे। अरे मामा, आपको तो पहचानना मुश्किल हो गया। वो कच्चे पक्के बाल थे वो सब काले हो गए, मुझे भी आपने बढ़ा लिए। बाल काले किए चौथे ब्याह के लिए, मुझे बढ़ाई ब्याह के बाद। तुम्हारी नई मामी बहुत खुश है हमसे। अच्छा ये तो बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? यशोदा का ब्याह है ना? यशोदा का? यशोदा का? अरे हमारी छोटी सी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई। आप सुनते हैं दादा? दादा बरसों हो गए बहन से बिछड़े, देखने को बहुत जी चाहता है। मामा ब्याह कब है? अगला शुक्ल पक्ष चमके पूर्ण द्वितीया दमके, उसी दिन। बड़ी धूमधाम से होगी हमारी यशोदा की शादी, सारी बिरादरी को न्योता जाएगा। कुंदन। हाँ दादा। ब्याह में जाने से पहले हमारी आज्ञा जरूरी नहीं है। है दादा, लेकिन मुझे यकीन है आप ऐसी कोई आज्ञा न देंगे जिसका पालन मैं न कर पाऊं। क्या है भैया? कुंदन ने न्योता भेजा है यशोदा की शादी पर। अच्छा, आप लोग उनके नजदीकी रिश्तेदार हैं महाराज। यशोदा भी आप ही की बेटी है, उसकी डोली आपके आशीर्वाद से उठे ये उनके लिए बड़े मान की बात। डोली के साथ अर्थी उठवाने का चाव कुछ नया मालूम होता। भवानी प्रसाद का लहू शायद ठंडा पड़ गया हो, लेकिन हम अभी तक वो सौगंध नहीं भूले जो हमने अपने पिता की लाश पर खाई थी।
कि जब तक भवानी प्रसाद के वंश का एक आदमी भी जिंदा है हम सुख का सांस नहीं लेंगे। जब तक भवानी प्रसाद के वफादार सांस लेते हैं महाराज उस वंश का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। क्या कर कह दो कुंदन से आजमा ले अपने वफादारों को हमारे। नहीं देवर जी नहीं आप नहीं जाएंगे हमें कोई जरूरत नहीं है भूले हुए बैर जगाने की। नहीं नहीं कुंती द्वारका जरूर जाएगा यशोदा हमारी बेटी की तरह है और भवानी प्रसाद से हमारा खून का रिश्ता है हम ये रिश्ता मत दम करने आएंगे। तुम कुंदन से जाके कह दो कि कारोबार की वजह से शायद हम ना आ सके लेकिन हमारा छोटा भाई जरूर आएगा यशोदा बेटिया को आशीर्वाद दे। जो आप गया महाराज। पहले रस फिर गुल कहा बाद में ले कह दिया इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े कर दिए। क्या सफाई से रसगुल्ला काटा है चींटे तक नहीं हुए। अरे निसारमिया सुबह सवेरे कहाँ से पिया है। अजी हराम है जो शराब का एक कतरा भी जुबान में टपका हो। अच्छा। ये तो उस मस्त नजर का नशा है। हाय ताजा ताजा नवाबों की कैद से निकल के चमन में आई है। अच्छा तुम उसे कहाँ देखा। अजी देखा भी क्या आंखें मलमल के देखा लेकिन अभी तक यकीन नहीं होता कि सच था या सपना। अगली बार पानी का लोटा साथ देकर जाना आंखों पे छींटे मार कर देखना उसे। लीजिए आप भी दिल लगी करने लग गए। लैला तुम्हें देखा तो नहीं लेकिन ये सोच कर चले आए कि नवाब वाजिद अली शाह ने जिसे लैला आसमान का खिताब दिया है शायद हमारा काम कर सके। फरमाइए मैं आपके क्या काम आ सकती हूँ। लैला हमने सुना है तुम्हें देखकर अच्छे अच्छे होशमंद अपना होश खो बैठते हैं। देखिए ना चाहने वाले भी किस किस तरह शर्मिंदा करते हैं। हमारे यहाँ भगवान को बहुरूपी कहते हैं जिसके कई रूप हैं। तुम्हें क्या कहूँ लैला जिसकी कई आवाजें सुन रहा हूँ। रूप एक ही है मेरा आवाजों में ना बहकिए। फरमाइए। एक शख्स से हमारा बड़ा पुराना बैर है लैला हमारा जानी दुश्मन है वो। हम चाहते हैं तुम उसे अपना दीवाना बनाकर हमारे कदमों में ला डालो। माफ कीजिए मैं ऐसे नीच काम नहीं करती। इसके लिए तुम्हें बहुत ऊंची कीमत मिल सकती है सोच लो। बाजार में और बहुत से कोठे हैं हुजूर जाइए कोई फुलझड़ी कोई थिरकता हुआ शोला खरीद लीजिए। आग के शोलों का उस पर कोई असर नहीं होता लैला आग उसे बहुत त्रास आती है। वो नाम ही से कुंदन नहीं भवानी प्रसाद के हवन कुंड में तप कर कुंदन हुआ है। जब तुम्हें सौदा ही मंजूर नहीं तो कहने से क्या फायदा। हमारे आदमी तो जा ही रहे हैं लेकिन हम सोचते थे कि अगर वो उनसे जिंदा बच भी निकले तो तुम्हारी नजर के वार से न बचे। अगर ये हुस्न मेरा प्यार के शोलों में ढल जाए अगर ये हुस्न मेरा प्यार के शोलों में ढल जाए तो फिर इंसान है क्या चीज पत्थर जाए तो पत्थर भी पिघल
शाह ने तुम्हें लैला आसमान का खिताब न दिया होता तो हम तुम्हें सचमुच ईमान जहान के नाम से बुला। गणेशी साहब, तुम फेरे में व्यापार करने वाले आज इस उजाले में सौदा करने कैसे चले आए? जाने वन, ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। राजा साहब, आज से लैला आसमान नाचेगी तो गणेशी प्रसाद के लिए, गाएगी तो सिर्फ गणेशी प्रसाद के लिए, समझ गया? क्यों लैला? आप जरा देरी से पहुंचे राजा साहब। यार की महफिल में कब की पड़ चुकी गंदेरियां, झाड़ू लेकर आए हैं शायद उठाने ढेरियां। गणेशी प्रसाद, तुम्हें ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। दिल का सौदा महंगा हो या सस्ता हो, यार के लब से गाली खा लो बासी हो या खस्ता। वाह वाह वाह। और बारीक चाहिए? दादी हलवाई की तरफ जा रहा हूँ, कहो कितनी मिठाई कहो? 10 मन इमरती और 10 मन लड्डू मोती चूर के, समझे? समझा दादी। झंडिया बस करूं मालिक। अबे मालिक की दम, सारा आगर भर दे झंडियों से, हमें झंडे गाड़ने हैं भांजी के ब्याह पे। जो आ गया मालिक, जो आ गया। झंडे गाड़ने हैं तो खुद यहाँ गड़े काहे खड़े हो, जाओ दौड़ धूप करो। अरे मेरी चौथी भगवान, कहाँ दौड़ करूँ इस धूप में। गुलफाम नहीं हो जो चमड़ी मुरझा जाएगी, जाओ जाकर देखो कलकत्ते से मेहमान आने वाले थे, उनके ठहरने की कोई सुविधा हुई या नहीं, जा। अरे सब काम मुझे कहती है, कुछ तुझे कर। फिर चिल्लाए, भांडा फोड़ दूंगी सबके सामने। अरे भगवान, भांडा मत फोड़, उसे साबुत रहने दे, ये शादी ब्याह में काम आता है। चला जाता हूँ। बाकी ऐसे शुभ दिन कोई रोता है? दादी वो जरूर आएगा, जरूर आएगा बेटिया, अब भी समय, वो जरूर आएगा। दादी दादी सुना है कुंदन भैया का वज्रा हाथ आ लगा है। कुंदन भैया अरे
लंका का देखो दुल्हन का तमाशा। अरे माजे से उठ के आ गई अपने भैया से मिलने। कुंदन भैया कितने इंतजार कराए तुमने भैया, मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुकी थी तुम्हारे आने की। अरे बुद्धू मेरे आए बिना तेरी शादी हो भी सकती थी। मैंने तुम्हारे से कह दिया था जब तक भैया नहीं आएंगे मैं डोली में नहीं बैठा। मेरे लाल इतने बरस बीत गए तूने अपनी माँ की कोई सुख खबर ही नहीं ली। दिन रात उठते बैठते मुझे तुम्हारा ही ध्यान लगा रहता था। तुझे देखने के लिए मैं जी रही थी बेटी, अब तो आ गया है मैं तुझे कभी नहीं जाने। तुझे देखा मेरे भांजे को काशी का राजा लगा। मामा जीते रहो। अरे मामा तुम्हारे तो कोई संतान नहीं थी, ये लड़की क्या अड़ोसी है। अरे राम राम कर भांजे राम राम। अरे क्यों लड़की कहकर भगाता है मेरी धर्मपत्नी को, ये तेरी मामी है। भूल हो गई चौथी मामी लागी मामी भांजे की चढ़ी पतंग मामा घरे मलाटोरे खुशी में मैंने भैया थोड़ी सी भंग बिली। हाय मेरे पैरों में हाय मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। सारा जम के भैया मोहे लाली जुनर मोहे लाली जुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। क्या चाल है तोरी जरा झूम ले गोरी। आले डोले किसी की नथनी झूमे किसी का झुमका हर प्यारी दिल थाम ले अपना ऐसा लगाऊं ठुमका। कैसे भला ऐसे जब हो किसी की ब्याह सगाई मेरी जवानी ले अंगड़ाई मेरी जवानी ले अंगड़ाई। कोई मेरी हाय हाय कोई मेरी भी शादी करा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। एक नजर से दिल बरमाए दूजी से ले जाए तीजी नजर तू ऐसी मारे जो देखे लुट जाए। सारी दुनिया तुझ पे दीवानी मैं भी तो देखूं तेरी जवानी मैं भी तो देखूं तेरी जवानी। जरा मुखड़े होए होए जरा मुखड़े से घुंघटा हटा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मोहे लाली जुनर मोहे लाली जुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। Oh,
कुंदन हो ना? हाँ, तो तुम कौन हो? यहाँ अंदर कैसे आ गए? द्वार खुल गए स्वागत के लिए। नौबतलाल का बेटा हूँ। अरे भाई तुम कब आए? कब आए? कुछ देर पहले। काफी रात गए हम तुम्हारा इंतजार करते रहे। बोले भाई जहाँ ठहराए गए वहाँ कोई तकलीफ नहीं? पूरा आराम है, सिर्फ एक मुश्किल है शराब हम अकेले कैसे ये कैसे हो सकता है? हम साथ देंगे, मैं अभी बैठक का इंतजाम करा देता हूँ। इंतजाम हो चुका है, आओ मेरे साथ। वो नहीं होगा, पहली बार यहाँ आए हो, पहली बैठक हमारे ही घर होनी चाहिए। क्यों? दुश्मन के साथ जाते हुए डर लगता है। नहीं, दुश्मन का डर नहीं, मुझे मेहमान का ख्याल था। आओ मेरे साथ। घोड़े का ढाई बचो। बड़े शातिर हो भाई, अच्छी चालें चलते हो। वो चाल चलने वाला हूं कि बचना मुश्किल होगा, बस देखते जाओ मेरे प्यारे किस तरह घेरते हैं तुम्हें। नहीं जाम लो। किस सोच में हो कुंदन? ये फर्जी बिना किसी जोर के बढ़ाया हूं तुम्हारे घर में। बच के जा ना सकोगे? उसे पहचानते हो? बनारस में किसी ने तुम पे वार किया था, याद है? उस दिन भी पीठ की तरफ से ही आया था। तुम अंदर लोहे की कुर्ती पहने हुए थे ना, इसीलिए बच गए। लेकिन आज तो रेशम का कुर्ता पहन रखा है और शराब भी काफी पी ली है। और पिया और Thank you.
दुश्मन, दुश्मनी में सब कुछ जायज है। बाप दादाओं के खून का बदला लेना संतान का फर्ज है ना? मेरी हाँ या ना से क्या होगा भाई? बैर और घृणा का जो बीज पुरखों ने बोया है उसका फल हमें तुम्हें ही भुगतना होगा। चल चलो। चल तो मैं चल चुका। बाजी पीट लिया मैंने। बाजी पीटते पीटते खुद ही पीट गया भैया। जब इम का देखो क्या होगा। जब दिल से दिल टकराता है, जब दिल से दिल टकरा आप आगे टक्कर लेने, बात तो रही थी दिलों की टक्कर की, आप लुढ़क जाइए। लुढ़की से सर तक देखा। अपना सर है ना पैर। जीव द्वारका क्या चीज सुनाई है, जिसका ध्यान था उसकी छवि आंखों के सामने आ गई। वो खुद आ जाए तो मैं उसे फौरन गले से लगा लू। कौन बोला? द्वारका क्या चीज पिलाई है, अब तो उसकी आवाज भी कानों में गूंज रही है। जियो द्वारका क्या चीज पिलाई है, जो छवि थी छबीली बनकर सचमुच सामने आ गई। आई हो तो अब की बार जा नहीं सकोगी, बताना ही होगा नाम पता ठिकाना, बताना ही होगा सब कुछ। बता दो मनमोहनी। से जहर दिया गया है।
समझ गया मैं जी। दूर से आके तुमने हमारा मान बढ़ाया भाई, हम सब बड़े आभारी हैं। अब जाते समय मन में कोई क्लेश न ले जाना। कोई क्लेश नहीं, परसों से प्यास है मन में जो किसी दिन बुझानी है। मेहमान प्यासा लौट रहा है, इस बात का दुख रहेगा। हमें बनारस में बात करेंगे, रुकूंगा तुम्हारे लिए। वहां भी आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रहेगी। आ गया दीजिए दादी। जीते रहो बेटा। धन्यवाद दासी के द्वार पे द्वारका जी। कहिए शहर उतर गया? हम जा रहे हैं। दुश्मन के खून से हाथ रंगे भी नहीं। अब ये खून की होली हम बनारस में ही खेलेंगे। जरा मुश्किल, किस्मत कदम कदम पे दुश्मन का साथ दे रही। खंजर के वार से वो बच गया और जहर का प्याला अब खुद ही पी गए। हम बनारस में तुम्हारा इंतजार करेंगे। जितनी जल्दी हो सके कुंदन को अपने मोहजाल में फांस कर बनारस ले आओ। अगर उसको फांसते फांसते मैं खुद फंस गई तो? हम तुम्हारे पेशे से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आप भूल कर रहे हैं द्वारका जी, प्रेम का खेल दो धारी तलवार है, इसका खिलाड़ी तो भी खुद भी घायल हो जाता है। डर तब होता है जब खिलाड़ी अनाड़ी। ये रूप जवानी, ये अदाएं, कुंदन तो क्या फरिश्ते भी बह गया। सच द्वारका जी, तुम्हें देखता हूं तो मन काबू में नहीं रहता। एक आग सी लगा दी है। ये हाथ एक दिन आपके भाई ने भी चुमा था। सच द्वारका जी, जितनी जल्दी हो सके कुंदन को लेकर बनारस पहुंचो। अगर मैं उसे लेकर कहीं और चली गई तो? ये नहीं हो सकता। सच द्वारका जी। तब से माँ और दादी यशोदा और गोपाल को लेकर यहीं इसी गांव में मामा के साथ हैं। मैं वहां बनारस में दादा के साथ रहता हूँ। सब लोग अलग अलग हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता। समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख। मेरे ही सुख दुख में खोई रहोगी तुम, कुछ अपनी बात नहीं बताओगी। बताऊंगी। कब बताऊंगी? फिर कभी नहीं, आज। अनगिनत सवाल उठते हैं मन में। मेरी मुन्नी कहाँ रही, कैसे रही, किस तरह पली बड़ी हुई,
यूं समझो तुमसे दूर नरक में पल रही थी। तुम्हारे पास आकर स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। अब नरक की बातें याद न दिलाओ कुंदन। सुख के साथ मैं तुम्हारे दुखों को भी अपनाना चाहता हूँ। मैंने चाहता हूँ हम दोनों के बीच कोई पर्दा बाकी न रहे। इतना बस नहीं तुम्हारे लिए कि मैं हर पल हर क्षण तुम्हारी याद में खोई रही। तुम्हारी लगन थी कुंदन जो मुझे तुम तक खींच लाई। उम्र है आ गए भांजे। रोटी सुन गई उसकी चिंता नहीं, इंतजार में अपनी माँ को क्यों सुखाते हो? अरे माँ तो ऐसी व्याकुल होती है, सुबह इतना नाश्ता करा देती हूँ माँ के दिन भर भूख ही लगती मुझे तो। प्यास तो लगती है भांजे। प्यास कौन से घाट प्यास बुझाते हो आजकल? घाट वाट काम है तो वहाँ चलता हूँ, खेतों में आम के बाघों में दादी बहुत आनंद मिलता है। दिन भर पुरोहिया चलती है, बोर फूले हैं, पंछी चहकते हैं। सबसे प्यारी चहक बुलबुल की होती है बेटा। बुलबुल बुलबुल मिली कोई? अरे यहाँ हमराई में बुलबुल कहाँ, यहाँ तो सब तोते ही तोते हैं मामा। तोते ही तोते। तो फिर ये क्या है? वो सर का बाल जो कमर तक लहराए। सुबह ऐसे हुआ था, क्यों दादी ने गले से लगाया था ना। दादी ने सुना का कि तुम्हारे सर के सारे बाल सफेद हैं, भांजे जी धूप में घूम कर इसे काला कर लाए हैं। माँ से न छुपा बेटी, बता दे, बता है न कोई लड़की? सब रूप तुम्हारे,
हुस्न को रखना सबसे बचा के देखो तुम्ही पे सबकी नजर है इश्क दीवाना हुस्न बेगायल इश्क दीवाना हुस्न बेगायल दोनों तरफ एक दर्द जिगर है दिल की तड़प का हाल ना पूछो जितनी इधर है उतनी उधर है इश्क दीवाना। ओफो लालचंद निसार जी, मेरी समझ में तो आपकी एक भी नहीं आती। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन तुम समझने की कोशिश करो तब ना। सोचो सोचो, चांदनी रात है। चांदनी रात है, नदी का किनारा है। नदी का किनारा है, हम तुम दोनों पास पास बैठे हैं। क्यों क्यों मतलब? मतलब क्यों बैठे हैं? अच्छा पापा बैठे नहीं, खड़े हैं। खड़े हैं, मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेता हूँ। कैसे? ऐसे, और हाथ हाथ में लेके कहता हूँ, अगर नवाब वाजिद अली शाह ने तुम्हें लैला ए आसमान का खिताब ना दिया होता तो हम तुम्हें ईमान ए जहां के नाम से पुकारते। एक हाथ चूमने के लिए इतनी लंबी चौड़ी कथा की क्या जरूरत है शायर साहब? हाथ चूमने वाले तो क्यों हाथ चूमते हैं, समझे? समझे। क्या मारा है और क्या पुचकारा है निसार मियां। तो हुजूर ने देखा मेरी खजूर को? खजूर? क्या मतलब? हुजूर, जो लैला है आसमान से गिरे इस खजूर में अटके। अच्छा, तो इसीलिए आप लैला की गरहादरी में भी यही पड़े रहते हैं? गुस्ताखी माफ हो हुजूर, आप भी तो उनकी गरहादरी में तशरीफ लाए हैं। ठीक कहते हो निसार मियां, हमें उसकी याद खींच लाई। उसकी सूरत देखने के लिए दिल तड़प रहा था, सोचा घर में कोई तस्वीर तो होगी, देखने चले। अब तो लैला बगैर एक पल भी चैन नहीं। हमने एक नई हवेली खरीदी है, लैला वापस आ जाए हम उसे दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाएंगे। दादी यही मम्मी है। तुम लोग देखना चाहती थी ना, इसलिए ले रहा है। ये रूप कोई सारा जीवन देखे फिर भी जी नहीं भरेगा। चमत्कार है भगवान का। हाँ माँ जी, चमत्कार ही तो है। साक्षात देवी उतर आई है धरती पर, हमें दुखों से मुक्ति दिलाई। बेटी, सभी कहते हैं कुंदन की माँ को दुखों ने पागल कर दिया। तू आ गई है ना, मैं ठीक हो जाऊंगी, बिल्कुल ठीक। एक सुख मिल जाए, मुझे मेरा बेटा मिल जाए। तुम्हारे कारण कुंदन अभी तक बनारस नहीं लौटा। बेटी, बहू बनकर हमारे साथ रहो, फिर कुंदन सदा हमारे पास रहेगा। हम तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे, इस घर पे राज करेगी। ये रूप इसी योग है, तेज कहता है बहुत बड़े कुल की कन्या हो। माँ जी मैं तो हाँ कह दो बेटी, न जाती हूँ कहते हुए। क्या करे बेटी, तुम्ही से बात करनी पड़ी। कुंदन ने बताया तुम्हारे माँ बाप ने है कैसे। मैं जो इसकी माँ, यशोदा को विदा करके माँ की सूनी ममता तड़प रही थी। इसे देखते ही जैसा तुझे सदा कलेजे से लगाकर रखूंगी बेटी। सिर्फ हाँ कह दे, हाँ कह दे बेटी। नहीं माँ जी, नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये क्या, तू रोने क्यों लगी? क्या हुआ तुझे बेटी?
का दुख माँ से कह जाते, कैसे कहूँ माँ जी, कैसे कहूँ? ये कैसे कहेगी आखिर? देवी का स्थान पा लेने के बाद ये औरत कैसे बताए कि ये एक वैश्या है? दादा चाहो गए सुनकर। और सुनो, ये सिर्फ वैश्या ही नहीं, शत्रुओं की भेजी हुई कुटनी भी है। द्वारका इसे यहाँ छोड़ गया है ताकि तुम्हें अपने मोजाल में फांस कर शत्रुओं के हवाले कर दे। बहुत हो गया दादा, आगे कुछ न कहिएगा, कहीं मैं भी कोई ऐसी बात न कर बैठूं जिससे आपके मान को ठेस पहुंचे। कंदन, बड़ी इज्जत करता हूँ आपकी दादा, लेकिन आपको भी अधिकार नहीं दूंगा कि मुन्नी का इस तरह अपमान करे। दंगा समान पवित्र लड़की पे कीचड़ उछाल दे। मुन्नी, मुन्नी इनकी बात मन पे न लेना। बचपन से जानता हूं तुम भली लड़की हो, मुझे विश्वास है तुम पर, पूरा विश्वास है। इस कुलटा पे विश्वास है तुझे और मुझ पर नहीं, तो इसी से पूछ जिस पर तुझे विश्वास है कि इसकी मां का नाम चंपाबाई है या नहीं। वो नवाब वाजिद अली शाह की दरबारी रक्कासा थी या नहीं? पूछ इसी से वो कलकत्ते की मशहूर नाचने वाली कौन है जिसे नवाब ने लैला ए आसमान का खिताब दिया। वो छबीली नागन तेरे सामने खड़ी है मूर्ख, जो तुझे डसने के लिए यहाँ आई है। इनसे कह दो कि ये सब झूठ है, कह दो मुन्नी, इधर आओ, दादा के आरोप का जवाब दो मुन्नी, और इनसे कह दो कि ये सब झूठ है। क्या हुआ मुन्नी, तुम चुप क्यों हो? मुन्नी, माँ क्या सोचेगी, दादी क्या समझेगी, ये सब क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, मैं किसे उठा लाया हूं इनकी बहू बनाने। मुन्नी अपने माथे से ये भयंकर कलंक मिटा दो, इनकी बात का जवाब दो मुन्नी। मुन्नी कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास, दादा जो कहते हैं ये सब सच है क्या? मुन्नी क्या ये सच है कि गंगा की संतान काशी तजकर कोठे पर जा बैठी? क्या ये सच है कि तुम्हारा मुंह एक दिखावा था और तुम हमारे शत्रुओं से मिली हुई हो? क्या ये सच है कि मुझे प्रेम की धारा में बहाकर तुम मुझे मौत के घाट उतारने आई थी? तुम्हारी जहरीली जबान से मैं अपना नाम भी नहीं सुनना चाहता मुन्नी, मैंने तुम्हारे असली रूप को पहले क्यों ना पहचान लिया? तुमसे भेंट करने के बाद गणेशी के आदमी ने मुझ पर वार किया था, तुमने ही भेजा था उसे। नहीं कुंदन, नहीं, चली जाओ, औरत हो इसीलिए सही जी जा सकती है, कोई और दुश्मन होता तो पीस के रख देता उसे। सुनो तो। उल्टा औरत, सुना नहीं उसने क्या कहा, चल निकल यहाँ से। अरे जबान खींच लूंगा अगर कुंदन का नाम लिया तो, निकल बाहर उल्टा कुटनी, निकल निकल बाहर, तू घर में कर रहा है। नीच, मैं चाहता तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, मगर मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं सिर्फ इसलिए कि जिन कायरों ने तुझे यहां भेजा है उनसे जाकर कह दे कि अगर भवानी प्रसाद से अपने पुरखों का बदला लेने की हिम्मत है तो औरत के घाघरे की ओट लेने की बजाय सामने आकर बात करें। भवानी प्रसाद, भवानी प्रसाद, तुमने औरत की मर्यादा पे ठोकर मारी। आज तक मैं वैसा नहीं थी, अब मैं वैसा बनकर दिखाऊंगी। तुम जैसे नीच इंसान से इस घोर अपमान का बदला लोगी। सुना तुमने? बदला लोगी, बदला लोगी। वैसे तो सांप का डसा पानी भी न मांग सके, पर भवानी प्रसाद जी को चार दिन हो गए अभी तक बचे हैं। जरूर कोई सिद्ध पुरुष होंगे भैया, सुना है सारा बनारस चरण छूता है उनकी तरफ। गोपाल, अपने दादा के दर्शन तो करवा दो हमें। ये ना हो सकेगा काका, कुंदन भैया के सिवा दादा किसी और को अपने पास आने ही नहीं देते। कुंदन जी, दादाजी
प्राण नहीं निकलते। ऐसी बातें मत कीजिए दादा जी, आप अच्छे बनाएंगे। मैं माता भवानी का परम भक्त हूँ, जब तक मैं तुझे उस रूप में नहीं देख लेता कुंदन, मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। कुंदन दादा जी, एक बेटे मेरे सिरहाने एक पिटारी पड़ी है, वो जरा दे दे मुझे इधर। ये भवानी माँ को अर्पण की हुई कटार है ये कुंदन, ले संभाल ले। तूने आज तक माँ के नाम पर रखबलि नहीं चढ़ाई ना कुंदन, उसके बिना कोई परम भक्त नहीं बनता। चल! ये क्या करने लगे थे आप दादा? अगर अपनों की हत्या करके कोई परम भक्त बनता है तो धिक्कार है ऐसी भक्ति पर। अरे ये हत्या नहीं, बलि है, पुण्य है कुंदन। मेरी बलि चढ़ा दे मेरे बच्चे, मैं सीधा स्वर्ग चला जाऊंगा। आप समझते हैं आप स्वर्ग में जाएंगे दादा, लेकिन आपके खून से अपने ये हाथ रंग कर मैं कभी चैन से बैठ सकूंगा? मेरा सारा जीवन नरक बन जाएगा दादा। दादा जिससे इंसान प्यार करे उसी की जान लेकर वो परम भक्त बने, ये कैसा धर्म बना बैठे हैं आप? आप मुझसे कहते हैं आप भी तो परम भक्त हैं, लेकिन आपने कभी किसी अपने की जान ली है या आप कभी किसी अपने की जान ले सकते हैं दादा, बताइए। वाह वाह, मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरी भक्ति के लिए अपना कोई वारिस न दे सका। दादा जी वाह, अब तो ज्यादा तड़ूंगा नहीं जाता माँ, अब तो प्राण ले ले। क्या प्राण नहीं निकल रहे? प्राण त्यजने के लिए भी उसके आंखों के सामने खून चाहिए। देखिए ये खून है, चादर पर जमा हुआ लहू। बरसों पहले ये लहू बहाया गया था, जिसके बहते ही मेरी मांग का सिंदूर भी धुल कर रह गया। पहचाना ससुर जी, ये किसका लहू है? दादाजी, ये क्या करती हो तुम? देखती नहीं दादा की क्या हालत है? इस समय उन्हें इस तरह परेशान मत करो तुम। मैं ही मुक्ति दिलाने आई हूँ बेटा, याद दिलाने कि जीवन का सबसे बड़ा पुण्य तो ये कर चुके, फिर अब प्राण क्यों नहीं छोड़ते ससुर जी? अपने ही बेटे की हत्या करने वाला आपके सिवा और कौन हो सकता है इस संसार में? माँ, ये क्या पागलपन कर रही हो तुम? नौमतलाल था पिताजी का हत्यारा। ये लेटा है तेरे सामने तेरे पिता का हत्यारा। पूछ इससे मुझे विधवा किसने बनाया? पूछ इससे मुझे विधवा किसने बनाया? दादा माँ ठीक कहती हैं क्या? दादा कह दो कि ये सब झूठ है, ये कैसे हो सकता है? आप चुप क्यों हैं दादा? आपको माँ भवानी की सौगंध है दादा, सच सच बताइए, मेरे पिता की हत्या किसने की? नौबतलाल ने की है या आपने की है? दादा जवाब दो मेरी बात का। दादा क्या मेरे पिता का खून बहाकर ही आप परम भक्त बने हैं? दादा जवाब दीजिए, क्या मेरे पिता का खून बहाकर ही आप परम भक्त बने हैं? दादा 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 जवाब दो जय भवानी।
ये सब मुझे क्यों बताया ना? अब इनका क्रियाक्रम भी तो मुझे को करना होगा ना? ये सब मुझे क्यों बताया? बाप दादा की निशानी है ये, एक का पुण्य दूसरे का पाप दोनों रंग में रंगी हुई है। इसे देखकर मन तैरता है कुंदन, तेरे पिता के लहू में रंगी है ये चादर। ये वो लहू है जो आप बह गया, मगर दूसरों का लहू बहाने के लिए कभी ना उड़ा। दादा की देन थी फौलादी कुर्ती, अब पिता की देन है ये चादर। इसे ओढ़कर जो साहस मैं पाता हूं, वो फौलादी कुर्ती मुझे कभी ना दे सकी। दादा दादा तुम तो चल बसे, मगर तुम्हारे कर्म अभी जिंदा है दादा। वो बैर वो घृणा जिंदा है जिसे तुमने जन्म दिया, वो पाप जो तुम इस दुनिया में छोड़ गए हो दादा, उसका प्रायश्चित मैं करूंगा। खून की होली तो हम खेलने वाले थे, तुम ये खेल पहले ही खेला है। किसका खून है ये? ये खून उस निर्दोष आत्मा का है जो पाप और अत्याचार की भेंट चढ़ा दी गई। पुरखों से चली आई दुश्मनी को मैं आज इसी चादर में लपेट कर हमेशा के लिए गंगा में बहा देना चाहता हूं द्वारका। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। बहुत सस्ते में छुटकारा पाना चाहते हो कुंदन। लेकिन उस सौगंध का क्या होगा जो हम दोनों भाइयों ने अपने पिता की लाश पर खाई थी? कि एक दिन भवानी प्रसाद या तुम्हारे खून से हम अपने माथे पर तिलक। वीर शत्रुओं पर निश्चय ही वैर करते हैं द्वारका, लेकिन मैं तुम्हारे पास दोस्ती की भावना लेकर आया था। दादा के मरते ही हिम्मत टूट गई। हिम्मत नहीं टूटी द्वारका, नफरत हो गई है बैर और घृणा के इस जीवन से। क्या तुम नहीं चाहते कि इस दुश्मनी का अंत हो, इस घिनावने जीवन से हमको मुक्ति मिले, क्रोध की अग्नि से हम सब छुटकारा पाए? क्या तुम नहीं चाहते द्वारका? मैं तुम्हें छुटकारा दिलवाता हूँ। घबराओ नहीं बचवा, हम आ गए। मैं तुम्हारे साथ लड़ने नहीं आया था, पुरखों से चली आई दुश्मनी को खत्म करने आया था मैं द्वारका। मुझे क्षमा कर दो मेरे भाई द्वारका, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। अब
नहीं बचूंगा, कुछ दिनों में नहीं बचूंगा। कुछ नहीं होगा रैयत जी, खुद कह गए तुम खतरे से बाहर हो द्वार का, तुम्हारा घाव अच्छा हो जाएगा। अब ये घाव नहीं भरेगा कुछ, जितनी जल्दी हो सके मुझे गणेश भैया के पास ले चलो। अगर मैं मरने से पहले उनको नहीं मिला तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। ये अनर्थ नहीं होगा द्वारका, तुम नहीं मरोगे, तुम अपने भाई से जरूर मिलोगे। समय नष्ट न करो कुंदन, जैसे भी हो मुझे मेरे भैया के पास ले चलो। मैं चाहता हूँ पुरखों से चली आई दुश्मनी मेरे सामने मिट जाए। गणेश भैया तुम्हें अपने सीने से लगा ले, मुझे मेरे भैया के पास ले चलो कुंदन, मुझे मेरे भैया के पास ले चलो। तो इस रूप में तुम किसी ऊंचे हिंदू घराने की बहू लगती हो ना? जानती हो मैंने कई बार तुम्हें इसी रूप में देखा, कई बार चाहे तुम्हें यूं ही दुल्हन की तरह सजाकर अपने घर में। गणेश जी साहब, मुझे घर जाओ, जल्दी कर जाओ, तुम्हारा भाई बेचारे से अपनी ओर लौट आए। द्वारका, हाँ द्वारका, जल्दी कर जाओ साहिब। बोलिए, क्या हो गया आपको? हे भगवान, इन्हें क्या हो गया है? ओ मां, बोलिए ना। लड़का कौन था वो जिसने तुझे घायल किया है? लड़का कौन था वो? कौन था जिसने तुझे घायल किया? द्वारका, उसका नाम बता दे मुझे, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। हाँ द्वारका, मैं उसके खून में हाथ डुबो दूंगा द्वारका। और द्वारका, कौन हो तुम? किसने मारा मेरे भाई को? मरने से पहले वो बार बार तुम्हारी तरफ क्यों देख रहा था? क्या कहना चाहता था वो? मेरी बदनसीबी है कि वो आपसे कुछ नहीं कह पा रहा। मैंने उसके साथ आदमी भेजे थे, कहाँ है वो आदमी? वो आदमी उसे छोड़कर भाग गए। क्यों छोड़कर भाग गए? कहाँ भाग गए? शत्रुओं से बदला ले लिया, मुझे विधवा बनाकर आपकी आत्मा को शांति मिल गई। अब अपने हाथों से ही मेरी मांग का सिंदूर भी फोड़ दीजिए, ये चूड़िया भी तोड़ दीजिए। मालकिन, क्या नाम था उसका? उसका किसका? जिसे आप बनारस में अपना दिल दे आई हैं। बनारस में? किसने कहा तुझे? आपकी हालत ने देख तो रही हूँ, जब से आप बनारस से आई हैं, हमेशा खोई खोई सी रहती हैं। अब पहले की तरह सिंगार भी नहीं करती, नाच गाना भी छूट गया, यहाँ तक के नाच घर में बैठना भी छोड़ दिया आपने। आदाब बजा लाता हूँ। आज सुबह सुबह कैसे निसार? गणेशी बाबू के हवेली पे गया था, सो उनका सलाम कबूल फरमाइए। अच्छा निसार, ये बताओ द्वारका को क्या हुआ था? मार पड़ी थी, बहुत मारा उसने। क्या नाम है उसका? कुंदन। सुनते हैं बनारस में बड़ी थाक है उसकी। वो तो कोई रहम दिल आदमी था जो द्वारका को यहाँ तक ले आया, वरना गणेशी प्रसाद अपने भाई की लाश तक नहीं देख पाता। तो क्या द्वारका को लाने वाला गणेश जी का आदमी नहीं? अजी कहाँ, वो तो सब भाग गए, उनमें से एक भी नहीं लौटा। लेकिन अब तो कुंदन की जान को खतरा है, गणेशी बाबू अपने भाई का बदला लेने बनारस जा रहे हैं।
नहीं नहीं, वो बनारस नहीं जाएंगे, मैं उन्हें नहीं जाने दूंगी। कुंदन मैं जानती हूँ तुम कुंदन हो, एक बार काशी घाट पर मैंने तुम्हें तुम्हारे दादा के साथ देखा था। मेरे मायके वालों पर तुम्हारी माँ और दादी की बहुत दया रही, इसलिए तुम्हें यहाँ देखकर मेरा दम निकल गया। भैया तुम यहाँ किस लिए आए हो, क्या चाहते हो? अब उसकी जिस शत्रुता मेरे घर चल रहे हैं, मैं उसे खत्म करने आया था बहन, लेकिन अब क्या करूं, मैं किससे कहूं? द्वारका मुझे बेबस कर गया। आज 10 दिन से मैं एक पल नहीं सोया, इसलिए यहां ठहरा हुआ हूं कि हाथ जोड़कर आप सब लोगों से भिक्षा मांगूं कि हमारे पुरखों के अपराध आप लोग क्षमा करो। इसलिए मैं द्वारका का हाथ थाम कर आया कि इस दुश्मनी का अंत हो जाए, मगर द्वारका चला गया, वो हाथ छुड़ा गया। इस दुश्मनी का अंत नहीं होगा भैया, जिस घर में सदा क्रोध और अहंकार की अग्नि चलती हो, वहां से तुम्हें दया और दान के फूल नहीं मिलेंगे। इसलिए जो भावना मन में लेकर आए हो उसे त्याग दो, यहां से चले जाओ। जाओ गणेश जी से कहो लैला आपसे मिलना चाहती। अच्छा मालकिन, ठहरो। जाओ मालकिन। नहीं,
आहो मियां कर तो देखो कलेजे से मुझको लगा कर तो देखो मचलता सिसकता मचलता सिसकता हुआ दिल मिलेगा तड़पती हुई जिंदगानी मिलेगी मेरे पास आओ नजर तो मिला सुनो तो जरा धड़कने मेरे अब क्यों मेरा पीछा कर रही हो क्या चाहती हो तुम और अगर कहूं तुम ये चाहती हो तो भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो और मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ भगवान के लिए मुझे अकेला मत छोड़ो मेरे लिए वही बात था जब मेरी माँ मेरी दादी मेरे सब घर वालों के सामने तुमने मेरे मुंह पर काले पमल दी थी चली जाओ यहाँ से मुन्नी अच्छा जाती हूँ मेरा कंगन लौटा दो कैसा कंगन ऐसा बिल्कुल इसी जोड़े का था क्यों पहचानते नहीं इस कंगन को मैं नहीं पहचानता जानते हो तुम जैसे भुलक्कड़ों को क्या कहते हैं बेवफा और तुम जैसों को तुमको क्या कहते हैं मन्नी जो मेरे शत्रुओं के साथ मेरी हत्या करने आई थी तुम क्या समझती हो मैं सब कुछ भूल चुका हूँ नहीं तुम कहाँ भूले होगे जब हत्यारा तुम्हारे सर पे खड़ा था और मैंने अपना कंगन फेंक कर तुम्हें जगा दिया था तो क्या ये सच नहीं कि तुम द्वारका के साथ आई थी सच झूठ सब पता चल जाता अगर द्वारका की जगह तुम्हें उल्टा टांग देते रस्सियों से बांध के आग पे भूनते ना सब पता चलता तो क्या वो तुम थी मुन्नी तुमने ही द्वारका को जहर दिया था तुमने ही उसे मार डालने की कोशिश की थी मुन्नी जी नहीं बांदी ने तो सिर्फ शराब के जाम बदल दिए थे और वो जाम जो आप पीने वाले थे द्वारका पी गया वरना देखते कैसे झूम कर कहते जी ओ द्वारका क्या चीज पिलाई है मुन्नी मुन्नी पहली बार जब काशी मिली थी तो क्या करने गई थी गंगा छूने गई थी वो चंपा भाई जो काशी से मुझे बेटी बनाकर यहाँ लाई थी ना उनका देहांत हो गया था उनके फूल लेकर गई थी और मन में ये आशा भी थी कि इसी बहाने अपने बचपन के साथी कुंदन को भी देख लूंगी तो फिर अचानक बिना कुछ कहे सुने तुम वहां से गायब क्यों हो गई मैं डर गई थी कुंदन तुम्हारे प्यार से डर गई थी जिस तरह तुम मिले मुझे लगा कि एक बार और तुम्हारे सामने आई तो तुमसे अपना कुछ छुपा नहीं सकूंगी मेरा भेद खुल जाएगा और तुम मुझसे नफरत करने लगोगे मेरी मुन्नी मुझे दिल के दाग दिखाती और मैं उससे नफरत करने लगता नहीं करते नहीं तुम्हें अपने सीने से लगा लेता तो कहता मुन्नी भगवान और इंसान दोनों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उन सबको माफ कर दो नहीं कुंदन भगवान की तो मुझ पर बहुत दया है जो तुम मुझे मिल गए ये वक्त ये घड़िया सब मेरी है सिर्फ मेरी अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अलग नहीं होने दूंगी हमारी मुन्नी पागल हो गई है हाँ तुम्हें पाकर पागल ही तो हो गई हूँ जब तुम्हारी सूरत आंखों में लेकर आंखें बंद करती हूँ ना तो फिर खोलते हुए डर लगता है कहीं तुम ओझल ना हो जाओ लैला लैला नहीं नहीं मैं तुम्हारी मुन्नी हूँ कुंदन लैला तो एक नाचने वाली का नाम था और मैं इस रकासा को भूल जाना चाहती हूँ कुंदन कुंदन तुम फिर कभी मुझे लैला कहकर मत बुलाना मालकिन वो राजा साहब आए हैं मैंने उनसे बहुत कहा लेकिन वो जाते ही नहीं कहते हैं आपसे मिले बिना नहीं जाएंगे हाँ। क्यों जाने मन कैसी हो अब तक तो अच्छी ही थी आप कैसे तशरीफ लाए बस यूं ही चले आए कुछ तुम्हारी सुनने कुछ अपने कहने खबर मिली थी कि हवेली सोनी पड़ी है लैला अब तो मुद्दत हुई इस कोठे से नाच गाने की आवाज भी नहीं आती नाच गाना मैंने छोड़ दिया राजा साहब हमें मालूम है वो गणेशी जो नहीं आता आजकल हमने भी सोचा वो अपने भाई का सोग मना रहा है क्यों ना
हमें चलकर कुछ रंग जमाएं। आप तशरीफ ले जाइए राजा साहब, कह दिया ना मैं नाच गाना छोड़ चुकी हूँ, आइंदा आप यहाँ आने की तकलीफ न कीजिएगा। लैला ऐसी बेकदरी ना करो चाहने वालों, ये लो असली हीरों का हार है जो उसने लौटा दिया था तुम्हें, हम फिर ले आए इसे तुम्हारे सिवाय और कौन। राजा साहब ये बहु बाजार का कोठा नहीं है, लैला आसमान की हवेली है, यहां सोच समझ कर आइए। अब की बात छोड़े देता हूं, लेकिन फिर इस तरफ का रुख किया तो याद रखना लाश उठाकर फेंकी जाएगी। ठीक है, अब लाश ही उठेगी तभी फैसला होगा, याद रखना ऋषि प्रसाद। कम वक्त कुत्ते पीछा ही नहीं छोड़ते। मैं थक गया हूं लैला, ये बिछुआ साथ रखते रखते मैं थक गया हूं। पिछले दिनों तुम बहुत याद आई लैला, बहुत याद किया मैंने तुम्हें, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि आ ना सका, डरता भी था कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। आपसे नाराज क्यों होती भला, आपके चौकर से तो वो दान मिला है लैला को कि सपनों में भी उसकी उम्मीद नहीं कर सकती थी। और अगर लैला के चौकर से गणेश प्रसाद को भी एक दान मिल जाए तो उसके सारे सपने पूरे हो जाएं। मेरे साथ चलो लैला, छोड़ दो ये बदनामी का घर, यहाँ कोई भी किसी वक्त भी चला आता है, मुझे हर वक्त तुम्हारा ख्याल रहता है, तुम पर किसी और की नजर पड़े मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं तुम्हें हर वक्त अपनी नजरों के सामने रखना चाहता हूँ। नजर बंद करके? नहीं, नजर में बंद करके। गणेश प्रसाद, ओ गणेश प्रसाद के बच्चे, कौन है बदतमीज, अगर हिम्मत है तो निकल बाहर। मत जाइए राजा साहब के लोग होंगे। कटार होती तो क्या कर लेते अचानक घर छोड़कर कहां चले गए? वैद्य ने ज्यादा बात करने से मना किया है मालिक। लैला जी, राजा साहब जाते जाते हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान कर गए, अच्छा है इसी बहाने कुछ दिन रह तो लेंगे तुम्हारे पास। सुना घर में जगह देने वाले कभी कभी दिल में भी जगह दे देते हैं। ये हमारे मेहमान हैं, जब तक हम यहाँ ये भी यहीं रहेंगे। मैं इनके रहने का इंतजाम करा। हमारी लैला को देखा जी? हाँ जी, हाँ देखा, कितनी खूबसूरत है हमारी लैला, हम इसे दिल जान से चाहते हैं, इसके लिए अपना सब कुछ निछावर कर सकते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं जान पाए कि इसके दिल में हमारे लिए कितनी जगह है, ये भी हमें चाहती है या नहीं। आप आराम कीजिए मालिक। सुनो जी, तुम्हारा इस शहर में कोई अपना भी है? आपके सिवा और तो कोई नहीं मालिक। कोई तकलीफ हो हमें बता देना, आप मेरी चिंता न करें। कुंदन, अपनी मुन्नी को यहां से कहीं दूर ले जाओ, लैला के चाहने वाले उसे जीने नहीं देंगे।
मेरी मुन्नी को भी उसी लैला के हवाले कर दो जिसे गणेश जी इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं। अपनी मुन्नी को तुम नहीं चाहते, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? बहुत प्यार करता हूँ मुन्नी, बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें मन से चाहता हूँ, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए मैं गणेश जी की खुशियां नहीं छीन सकता, मैं उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। वो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तो पहचानता हूं कि मैं कौन हूं। मैं अपना प्यार अपना सब कुछ त्याग दूंगा मुन्नी, लेकिन जानबूझकर उनके मन को कभी कोई ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। तुम उनके लिए मुझे त्याग दोगे जो अपनी दौलत से तुम्हारी मुन्नी की कीमत लगाते हैं, नाच गाने की तरंग और शराब के नशे में दिलों का सौदा करना चाहते हैं? मुझे इन लोगों से नफरत है कुंदन, कुंदन मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे अपने आप से अलग न करो, मैं कहीं की न रहूंगी। नहीं नहीं, कुंदन की आत्मा दोषित है, तुम्हें उसकी सहायता करनी होगी। तुम नहीं जानती गणेश जी के वंश के साथ हम लोगों ने कितने घोर अन्याय किए हैं, उनके पिता की जान ली हमने, उनकी मां को विधवा किया, वो बेचारी पति के गम में रो रो कर मर गई। मुन्नी, मेरे दादा ने बहुत से बेगुनाहों का खून किया, वो चले गए हैं, लेकिन जाते जाते वो अपने गुनाहों का फंदा मेरे गले में डाल रहे, मैं उनके पापों में बंध गया, अपने इन्हीं हाथों से मैंने द्वारका की जान ली है, मुझे अपने इस पाप का प्रायश्चित करना होगा, अपने प्यार अपनी हर ख्वाहिश का गला दबाकर मुझे गणेश जी और गणेश जी के घर वालों की सेवा करनी होगी, यही मेरा कर्तव्य है मुन्नी। तो मेरा कर्तव्य भी सुन लो कुंदन, मैं तुम्हारे लिए अपने प्यार की भेंट नहीं दूंगी, तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना प्यार निभाऊंगी। ये फूल कहां से ले आए? सुबह गंगा पार महादेव जी के मंदिर गया था मालिक, वहीं से आपके लिए ले आया। जब भी तुम्हें देखता हूं मेरा भाई सामने आ जाता है, कितने एहसान किए हैं तुमने हम दोनों पर। आपका सेवक हूं मालिक, अगर आपके किसी भी काम आ सका तो समझूंगा मेरा जीवन सफल हो गया। लेकिन बिना किसी लोभ के, किसी आशा के, इतनी श्रद्धा कैसे है तुम्हारे दिल में? श्रद्धा नहीं है मालिक, स्वार्थ है। सोचा था द्वारका को आप तक जिंदा पहुंचा दूंगा तो पिछले पाप धोने के लिए कुछ पुण्य पड़ेगा झोली में, लेकिन ऐसा सौभाग्य मेरा नहीं था। द्वारका कलकत्ते आया भी तो ना आने के बराबर। हाँ, इसका दुख तो रहेगा, मरते दम तक रहेगा। कितना बहादुर और निडर लड़का था मेरा भाई। तुमने काशी के भवानी प्रसाद का नाम सुना है? जी हाँ, मगर अब वो नहीं है मालिक, उनका देहांत हो गया। लेकिन उसका पोता कुंदन जिंदा है, वो कमबख्त अभी तक जिंदा है। तुम उसे पहचानते हो? जी हाँ, अच्छी तरह पहचानता। अगर मैंने उस बुजदिल हत्यारे से अपने भाई का, उसकी विधवा पत्नी का, उसके अनाथ बच्चों का बदला नहीं लिया तो समझ लेना गणेशी नौबत लाल के खून से पैदा नहीं हुआ। तो मेरे साथ काशी चलोगे? काशी तो हम भी चलेंगे, गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं ना। बहुत पाप किए हैं मैंने, मैं भी कुछ पाप धोलूंगी। अरे कितने सुंदर फूल हैं, क्या तुम लाए हो? जी हाँ। लैला, तुम्हें ये फूल बहुत अच्छे लगे? ये तो मुझे बचपन से ही बहुत अच्छे लगते हैं। तुम लैला के लिए हर रोज सुबह फूल ले आया करो। जो आगे मालिक। सुनो ये कुछ हम भाई, तुमने अपने नाम क्या बताया था? जो बजरंगी, याद नहीं है? ओ बजरंगी, तो ये कुछ हमारी तरफ से साधुओं को जाके दान दे दो। आप रुपए दीजिए, मैं अनाज दूंगी, मैं भी कुछ पुण्य कमा लूं। तो दान कर, भगवान तुझे बहुत देगा। अच्छा आप लोग यही ठहरिए, मैं मालकिन से पूछ के आती हूँ। देखिए ना मालकिन, मना करने पर भी ये लोग अंदर चले आ रहे हैं।
अच्छा इन्हें अनाज दे दो। ठहरिए महाराज। सुनो, इनसे कहना ऐसी प्रार्थना करें कि मुन्नी को अपना प्यार मिल जाए। भगवान ऐसी प्रार्थना तो नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? तुम अनाज दे रही हो, वो पैसे दे रहे हैं। तुम्हें अपना प्यार मिल जाए तो उन्हें अपना प्यार क्यों ना मिले? लीजिए महाराज, घर के मालिकों ने दिए। जीते रहो जीते रहो, भगवान तुम्हारी मालकन को बनाए रखे। उनके कहने से क्या होता है, भगवान तो जानते हैं मैं तुम्हारी मालकिन नहीं, तुम मेरे मालिक हो। तुम यहाँ कैसे आए? तुमने मेरे लिए दरवाजा खोला छोड़ा था, सो मैं अंदर आ गई। कुछ दुख है, कोई ढंग है? इतनी रात गए यहाँ क्या लेने आई हो तुम? लेने नहीं, कुछ कहने आई हो। कुंदन, तुम्हारे इस कठोर पन ने नाक में दम कर रखा है मेरा। मुन्नी, नाक में दम मैंने कर रखा है या नाक में दम तुमने कर रखा है? इस तरह यहाँ चली आई होगा, गणेश जी को मालूम हो गया तो क्या होगा? होगा मेरा सर, मैं उनकी बेहता स्त्री हूँ जो उनसे डरूं। कुंदन, जानते हो इतनी रात गए मैं क्यों आई हूँ तुम्हारे पास? इसलिए कि तुम्हें यहाँ से भगा ले जाऊं। सच? कैसे चौंक गए? भगवान के लिए जाओ, जाकर सो जाओ। स्वामी रूठे हो तो दासी को भला नींद कैसे आए? तुमसे कुछ भी कहना सुनना बेकार है, किसी बात का कोई असर ही नहीं होता। अपने मन की चंचलता और अपनी जिद के सिवा तुम्हें और कुछ सुझाई नहीं देता क्या मुन्नी? मेरे तो समझ में नहीं आता ये तुम कैसी हो गई हो। निर्लज हो गई हूँ, पर तुम्हारे लिए ही तो हुई, किसी और के लिए तो नहीं। मुन्नी, तुम्हारा ये लोभ, तुम्हारा ये स्वार्थ मुझे कुछ भी पाने नहीं देगा। मुन्नी, प्यार स्वार्थ है तो मैं स्वार्थी हूँ कुंदन, तुम्हें दिल से नहीं निकाल सकती, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते एक पल के लिए भी नहीं। तुम समझते क्यों नहीं मुन्नी, समय ने हमारे पांव वाले अलग रास्तों से मान दिए। मुझे तुम्हारा कुंदन नहीं रहने दिया, तुम्हें मेरी मुन्नी होकर जीने नहीं दिया। हमारे चेहरे बदल दिए उसने, हमारे नाम बदल दिए, लेकिन दिल नहीं बदला कुंदन। मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। नहीं मुन्नी, डूब जाऊंगी तुम्हारी बाहों में, समा जाऊंगी तुम में, सब कैसे अलग करोगी? नहीं मुन्नी, नहीं कुंदन, ये कैसी आग है जो बुझाई नहीं कुछ, मुझे अपना लो कुंदन, अपनी बाहों में समेट लो मुझे। मुन्नी होश में आ, मुन्नी होश में आ। यहाँ कोई मुन्नी उन्नी नहीं है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। आज से तुम मुझे मुन्नी नहीं मालकिन कहा करोगे, समझे? मालकिन। ओ बजरंगी, पूछे मालिक यह कुंदन का बोलता है, हम जितना कुंदन है काशी में सबका सर कलम करके ले आएगा मालिक का वास्ते। जरा देखो हमारा लश्कर का तैयारी। ओए निशाना मारो दन ताला। सुभान अल्लाह, क्या निशानाबाजी है। पूछे देखा तुम, मगर हम बोला सब पिसर ये निशाना कुंदन के सीने में गुजार करो तब मानेगा। हमारे मालिक तो कहीं और निशानाबाजी कर रहे होंगे, वो उस पतुरिया की खाट छोड़ा तब ना। क्या बजरंगी भैया, कमीज खबरदार, जो आइंदा किसी ने मालिक के बारे में कोई हल्की बात की तो।
कौड़ी जो हमने है डाली, जो चिसक ना जाए ना खाली, पाली पाली हमने दूर की कौड़ी पाली। हमारे कुटुंब का भविष्य क्या है? तुम्हारा कुटुंब महाकुटुंब, मन में घुटम खा में डटम। ये कौन सी भाषा है महाराज? ये भविष्य भाषा है, आगे चलकर सारे देश की भाषा बनेगी। अरे वाह भविष्यानंद, हमने भाषा का नहीं अपने भविष्य का पूछा था, कहाँ लेके बैठ गए पुरुम पुरुम। बताइए महाराज। भाग्य है महाविकट, कहूँ और घोर संकट, कहो तो कर दूँ प्रकट। बताओ भी झटपट, और की झंझट तो बगाऊंगा सरपट। तो बेदत खत, अगर की खटपट तो लगाऊंगा चटाचट। इसकी बातों पर न जाइए महाराज, आगे बताइए। सुनो, तुम्हारे पति की हत्या हुई, मिथ्या रही गुत्था बनी। वो गुत्थी सुलझाइए ना महाराज। बताइए ना महाराज क्या हुआ था? तुम्हारे पति का नाम था द्वारका, माल पीता था वो पहली धार का, उतारा नाले नींबू का ना अचार का, फिर बैर कैसे ना बढ़े बेकार का। ठीक कहा महाराज, वो बैर ही मेरे देवर जी को खा गए। अनभुत से तुम्हारे देवर जी, घुस घुस के लड़े वो पीकर जी, खुद खुद के चले फिर खंजर जी, खुद खुद के गिरे फिर देवर जी। क्या बीती होगी उन पर, आप तो सब कुछ जानते हैं महाराज। हमदन न जनाधन, आये सन न सनाथन, पूछे जन न जनाजन, कित गए हो रे चंदन, कित गए हो रे नंदन, कित गए हो रे चंदन, कित गए हो रे नंदन, कित गए हो रे चंदन, कित गए हो रे नंदन, कित गए हो रे नंदन। बजरंगी जी आए हैं, कहते हैं कोई जरूरी काम है। अभी आई महाराज। बजरंगी, नागपुर की नारंगी, कलकत्ते की चौरंगी, ये कहाँ कहाँ बजरंगी? हमसे क्यों पूछते हो महाराज, पूछो अपनी ज्योतिष विद्या से, फिर को खोजा। तू तंग न कर पंडित जी को, बजरंगी बनारस से आया था महाराज, इनके घायल पिता को साथ लेकर। वही कम बात, इन चरणों में छाले पड़ गए हम उसकी हजामत जी, अर्थात अर्थात हम उस महापुरुष का सत्कार करेंगे, उसके चरण धो धो कर पिएंगे। मालिक, 30,000 रुपए घर से लाया था, 22,000 रुपए जौहरी को दिए इनके जेवरात के, और ये बाकी के 8,000 रुपए। कितने रुपए लाते ले जाते हो, कहीं बेमानी तो नहीं करते हो अपने मालकों से? आपसे एक और बात भी करनी थी मालिक। बजरंगी, पहले हमारी बात का जवाब दो। मुझे भी अगर हीरे पन्नों का चाव होता तो शायद कर लेता बेईमानी। बजरंगी के ईमान का ना कहो लैला, मैं तो इस पर अपने आप से ज्यादा यकीन करने लगा हूं। जब से आया मेरे पीछे दीवार बनकर खड़ा हो गया है, मंडी का सारा कारोबार यूं संभाल लिया है कि व्यापारी अब मुझे तो पहचानते ही नहीं। तुम कुछ कहने वाले थे ना? फिर कभी कहूंगा मालिक। क्यों, मेरे सामने कहते लज्जा आती है? लज्जा तो नहीं आती, लेकिन अगर मैं कुछ कहूंगा तो शायद आपको सुनकर दुख होगा। अरे इससे मच्छर कम मरेंगे, छींके ज्यादा आएंगी। घोड़ी भार दंड छवि मंडित कलित कुंडल कलित अलकावली भुजे गई, वज्र प्रतिष्ठा हित भंग रंगित दरी के पीत मारण उड़ाए गई, भूत प्रेत जिन जिन्नाथ को धूम प्रसाद दो बाला। रिक्शा मिक्शा कुछ नहीं अपने पास। बच्चा छींको मत, धुआं चौंक जाएगा। चले हट यहां से, मैं तुम्हारी छींका छींका कर बोला मुछंदर, छींका छींका कर बोला मुछंदर, कहाँ छुपा है घर के अंदर, उसका मुख देखूं तब जाऊं, दिल का हाल बताए कलंदर। छींका छींका छींक कर बोल कलंदर, कहाँ छुपा है घर के अंदर, उसका मुख देखूं तब जाऊं, सबका हाल बताए मुछंदर। ओ बाबा बाहर चलो, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा बाहर, अवश्य मिलेगा। जो अंतर में है वो बाहर आएगा, जो बाहर आएगा वो समझ जाएगा। पर तुम बाहर तो चलो ना बाबा। अरे बाबा, बाबा का हे बोले, मामा मामा बोल, सांझे मामा मामा बोल। बड़ा बदमाश साधु है, आग मारता है। अरे यहाँ फर्क कर बोले, काशी शंकर और भवानी की राशि, ये देख जगत खेले दोरंगी, काहे नाम धरे हो बजरंगी। बजरंगी बाबा, आप तो अंतर्यामी है, मैं अपनी लता को ले आता हूँ, तो उसके दिल की बात बता दीजिए। लता को जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। लता 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 आ रही है ना, लता लता। इस लिबास में नवाब वाजिद अली शाह की दरबारी रक्का सा लगती हूँ ना। तस्वीरें मोहब्बत थी जिसमें हमने वो शीशा तोड़ दिया, तोड़ दिया, छोड़ दिया, ओ, 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 हमने वो शीशा तोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। हंस हंस के जीनों से
लेकिन आज इतने दिनों बाद ये तुम्हें क्या सूझ? लैला को कब क्या सूझ जाए, कोई भरोसा है? इस लैला का सच कुछ ठीक नहीं है गणेशी जी, इसका एतबार न कीजिएगा। एतबार ना करूं तुम्हारा? क्यों? क्योंकि मुझे खुद पर काबू नहीं है ना, न जाने का पहच जाओ, अचानक सब छोड़ छाड़ के कहीं चल दूं तो। कहाँ जाओगी? कहीं भी। किसके साथ? क्यों बताए, हो सकता है हम बजरंगी के साथ ही भाग जाए। अगर बजरंगी है तो फिर तुम भाग जाओ। क्यों, इतना भरोसा है उस पर? आपका क्या लगता है? वो लगता तो कुछ नहीं, फिर भी अपना सा लगता है। अच्छा, और मैं क्या लगती हूँ आपकी? तुम्हें हमसे ज्यादा मालूम। अगर आप मेरा और बजरंगी का असली रूप देख लें तो आपके पांव तले से जमीन निकल जाए। मैं समझा, क्या मतलब है तुम्हारा? बजरंगी कदम कदम पे संभाल रहा है आपको, और मैं कदम कदम पे गिराई जाती हूँ। वो आपका पुण्य है और मैं पाप। मेरा भाई मर गया और तुम अपनी मनहूस सूरत लेकर अभी तक जिंदा हो। द्वारका जी की मौत से डर गए थे मालिक, इसलिए सामने आने की हिम्मत नहीं। क्या लेने आया? मैं कुंदन कलकत्ते में ही है मालिक। जान बचाने के लिए झूठ बोलता, निकल जा। कुंदन जरूर कलकत्ते में है। तुमने बेली को इसलिए मार डाला कि कहीं वो कुंदन का पता ना बता दे? हाँ, मैंने भवानी प्रसाद का नमक खाया जब तक मेरे जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी है, कुंदन का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तुम गणेशी को नहीं जानते, तुम तो क्या तुम्हारे फरिश्ते भी बताएंगे कुंदन कहाँ? गणेशी प्रसाद, मुझ पर अपनी सारी ताकतें आजमा कर दे, मेरे शरीर का टुकड़ा कर दो, मगर तुम्हें यह पता नहीं लगेगा कुंदन कहाँ है। क्या हुआ बहू? क्या हुआ? माँ जी, मुझे ऐसा लगा खून में लथपथ कोई मेरे सामने खड़ा है। भगवान, कहीं माँ जी। नीम, अब भी वक्त है, बोल दे कहाँ है कुंदन, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बच गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा गणेशी, उस बार कुंदन के लिए छोड़ दिया था, नहीं तो बेली की जगह तुझे अपनी कुल्हाड़ी का निशाना बनाता। मारा सुन, वो तुम्हें जान से मार डालेगा। तुम चाहती हो वो भीम काका की जान लेने, और मैं बुज दिनों की तरह यहाँ तुम्हारे पास पड़ा रहूं, अपने कारण मैं भीम काका पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। नहीं कुंदन, भगवान के लिए नहीं कुंदन। भीम काका, भीम काका, पीछे यहाँ क्यों चल रहे हैं?
मैं तुम्हें अकेला कैसे आने दी थी? चले जाओ यहाँ से, अगर गणेश जी की आदमी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। तनी देखा तो ससुरा भीम होश में आवा कि नहीं? बोले बड़ा सख्त जाने खबीज का बच्चा। मैं ये चादर लेकर गणेश के पास जाऊंगी। ये तुमने क्या किया माँ, ये चादर क्यों उठा लाई अपने साथ? मैं गणेश को इस चादर में पूछे हुए सिंदूर का रंग दिखाऊंगी, अपने उजड़े हुए मांग का वास्ता देकर अपने बेटे के जीवन का दान मांग लूंगी। मैं खुद जाऊंगा अपने आदर्श का फैसला करने, आज इस दुश्मनी का अंत होकर रहेगा। मैं नहीं, नहीं कुंदन, वो हत्यारा तुझे मार डालेगा। मैंने सारा जीवन रो रो कर बिताया है बेटे, अपने विधवा माँ पर तरस खा मत जा, गणेश जी के पास मत जा। तुमने मुझे जन्म दिया है माँ, तो आज मुझे वीरता के साथ जीने का साहस भी दो। कुंदन, माँ जी रोक लीजिए इसे। बचुआ मत जा बचुआ, मैंने तेरी रक्षा की कसम खाई है। मुझे कुछ नहीं होगा भीम काका, मुझे जाने दो। बचुआ अपना बंदा ले लो, मेरा कैदी मुझे वापस कर दो। मैं समझी नहीं। भीम को आजाद कराने का मतलब तुम भी समझती हो लैला, और मैं भी समझता हूँ। भीम को जिसके हवाले किया है वो कहाँ है? कौन? कुंदन। कुंदन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरा कुंदन से रिश्ता जानकर आपको क्या मिलेगा? अपने घर में छुपे हुए गद्दारों की नीयत जानना चाहता हूँ लैला। आप भूल रहे हैं गणेश जी, ये घर आपका नहीं मेरा है, जिसे चाहो रख सकती हूँ। तो कुंदन यही है, इसी घर में? घर में नहीं, मेरे दिल में, मेरी आंखों में बसा हुआ है। मक्कार, मैं तुम्हारे होंठों से किसकी आवाज सुन रहा हूँ? ये आपकी लैला की आवाज नहीं, ये कुंदन की मुन्नी की आवाज है। मैं कुंदन से प्यार करती हूँ और उसी की तस्वीर आंखों में लेकर बड़ी हुई। लैला, मेरी जान अगर कुंदन के किसी काम आ गई तो समझूंगी मैं सुहागन हो गई। इतनी आसानी से तुझे नहीं मारूंगा, तेरी आंखों के सामने उसके टुकड़े टुकड़े करूंगा जिसने मेरे भाई की हत्या की है, जिसने मेरा प्यार डस लिया है। बताओ कायर कहाँ है जो औरत का सहारा लेकर मुझ पर वार कर रहा है? औरत का सहारा लेने तो आप आए थे। चले जाओ, नहीं तो ये तुम्हें जान से मार डालेगा। कुंदन, अंधेरे में क्यों रुक गए? कुंदन, उजाले में आओ, जरा सूरत तो देखूं उस पापी की जिसके लहू से तिलक लेकर आज मेरी बरसों की सौगंध पूरी होगी। बजरंगी। हाँ मालिक, मैं ही कुंदन हूँ। मैं ही आपके पिता के हत्यारे भुवानी प्रसाद का पोता हूँ, जिसके लहू से तिलक लेने की आपने सौगंध खाई थी। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया मालिक, आप अपनी सौगंध का पालन कर लीजिए। यही कर्तव्य था तुम्हारा कि बहरूपियों की तरह छुप छुप कर मुझ पे वार करते रहो, मेरे हर सुख और चैन में जहर घोलते रहो? मैंने तो सदा आपकी सेवा को ही अपना कर्तव्य समझा मालिक, हर कदम पर आपकी सुख शांति की रक्षा की मैंने। अपनी रक्षा की है तुमने? तो मेरी सेवा इसलिए करते रहे कि जब मुझे मालूम हो कि तुम ही कुंदन हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, तुम्हें माफ कर दूं। तुम में साहस नहीं था मेरे सामने खड़े हो सको। हाँ मालिक, मुझ में साहस नहीं था कि भाई के आगे बैरी बनकर खड़ा रह सकूं।
पैर और घृणा में सांस ले लेकर मेरा दम घुटने लगा है माई बहन। तुम मेरी जान ले लो, लेकिन पुरखों पुरानी इस शत्रुता से मुझे हमेशा के लिए रोकना। जुगों से जो आग मेरे सीने में जल रही है, तुम्हारा लहू पिए बिना ठंडी नहीं हो सकती। गंगा की लहरों में उबलता हुआ नौबत लाल का लहू अभी तक मेरी आंखों में तैर रहा है। द्वारका की उखड़ी हुई सांसें अभी तक मेरे हाथों से लिपटी हुई है, पर मैंने सीने से लगा रखी है वो सांसें। उन कांपती हुई सांसों ने एक बार मुझे क्षमा कर दिया था, और यही भावना लेकर मैं आपके पास आया था, लेकिन मेरी बदकिस्मती के द्वारका आपसे कुछ न कह सका। तुम झूठ कह रहे हो, अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। द्वारका की हत्या तुम्हीं ने की है, तुम्हीं ने। भीम का था हत्या, हत्या तेरे भाई। भीम काका, 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 ये मैं क्या कर बैठा? जिस आदर्श के लिए जी रहा था, उसी आदर्श की हत्या कर दी मैंने। भीम काका, नहीं कुंदन, दया की भगवान, जो मेरे प्राण तुझे सौंप दिए। नहीं काका, मैं तो दादा के पापों से छुटकारा मांग रहा था, तुमने क्यों एक और पाप में बांध दिया मुझे? बोलो काका, बोलो तुम, तुमने क्यों एक और पाप में बांध दिया मुझे? बोलो काका। रो मत बचुआ, ये पिछले किसी जन्म का पुण्य होगा जो अपने बेटे के हाथों खून में डूबा हुआ बिछुआ मेरे सीने में गाड़ दो। जहां मार के पुण्य मिलता हो, मुझे वो जीवन नहीं चाहिए मालिक। इस पाप और पुण्य के संघर्ष से मुझे मुक्त करो तुम, मुझे मुक्त कर दो मालिक, मुझे मुक्त कर दो तुम। आज तुम्हारी चौखट से वो दान मिला है जिसकी मुझे सपनों में भी आशा न थी। मेरा भाई मिल गया मुझे, द्वारका मिल गया मुझे। चादर पर उसी निर्दोष आत्मा का खून है जो पाप और पुण्य की भेंट चढ़ा दी गई। द्वारका, पुरखों से चली आई दुश्मनी को मैं इसी चादर में लपेट कर हमेशा के लिए गंगा में डुबो देना चाहता हूं। क्षमा क्रोध को छे करे जो काहू बे होए,
कहत कबीर ता दास को जीत सके।